हमारे साथ ये दैनिक लाइव न्यूज 24 में चंद्रदेव बनवाल, हमारे साथ ये आंगनबाड़ी सेविका की प्रखंड अध्यक्ष रीना देवी जुड़े हैं। ये बताएंगे कि आखिर ये क्यों हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमारी आज की जो एक दिवसीय हड़ताल है धरना प्रदर्शन के साथ, इसलिए है कि हम सरकार आज तक हमारी मांगों को पूरी नहीं कर रही। हमारी लड़ाई बहुत लंबी चल रही है, हम लोग को आज तक 3,000 रुपया ही दिया जा रहा है। तो हमारी लड़ाई है कि हमको पहले तो सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। अगर यदि आप नहीं दे पा रहे हैं अभी, तो फिलहाल हमको 18,000 रुपये सेविका को मानदेय और सहायिका को 12,000 रुपये मानदेय दी जाए। दूसरा, सेविका को क्लास 3 में किया जाए और सहायिका को क्लास 4 में दिया जाए। बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की मैं राज्य सचिव हूँ। मेरा नाम अर्चना सहाय है। हमारा जो ये संस्था है ICDS है, 1975 से आज तक है और सरकार हमें मात्र आज तक 3,750 रुपये देते आ रही है। तो हम लोगों का यही मांग है कि जितना भी धरातल पर कार्य होता है, जिसमें भी आज तक सरकार को सफलता मिलती आई है, वो आंगनबाड़ी कर्मचारी आंगनबाड़ी के द्वारा होता है। हमारी सेविका और सहायिका बहना जो है, उन दोनों के अनुसार ही सफलता मिलता है। तो हम चाहते हैं कि हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जब तक ये नहीं दिया जाता है, तब तक जो न्यूनतम मजदूरी होती है, जो एक मजदूर को दिया जाता है, वो हमें 18,000 सेविका को और 12,000 सहायिका को दिया जाए। इसके अलावा हमें बहुत सारा सुविधाएं जो होती है, हमें सरकारी कर्मचारी में जो महिलाएं काम करती हैं उन लोगों को मातृत्व अवकाश मिलता है, विशेषावकाश मिलता है, उन लोगों को चिकित्सा सुविधाएं मिलती है, वो हमें दिया जाए जिससे हम वंचित रहते हैं। कहने के लिए हमसे 4 घंटा काम लिया जाता है, लेकिन 4 घंटा के अलावा 8 घंटा काम लिया जाता है। नारी जिसमें सबसे अधिक 100% काम कर रही है, इसमें सरकार एक तरफ कहती है बेटी बढ़ाओ देश बचाओ, और दूसरी तरफ क्या हम इस देश की बेटी नहीं है? हम लोगों का शोषण पूर्ण रूप से कर रही है, 100% महिला काम कर रही है, 4 घंटे की जगह 8 घंटे काम लेती है और कहती है कि आप सरकारी कर्मचारी नहीं हो सकते क्योंकि सिर्फ आप 4 घंटे ही वर्क करते हैं। लेकिन सच देखा जाए तो 24 घंटे में भी हम लोगों का वर्क कंप्लीट नहीं होता है, एक से एक काम हम लोगों के ऊपर लादा जा रहा है। 24-25 रजिस्टर हम लोगों को दिया जाता है जिसको मेंटेन करना होता है। उसके अलावे DM का आदेश निकल जाता है कि आप सर्वे कीजिए, आप अभी कुष्ठ रोग का कीजिए, जितना भी तरह का काम है। हम बताए ना कि सरकारी कर्मचारी होने का दावा हम लोग कर सकते हैं क्योंकि हम लोग जितना काम करते हैं हमको नहीं लगता है शायद कोई और विभाग काम करता होगा। इसीलिए ठीक है, धन्यवाद। आप कुछ बताए इसमें? अपना तरफ से मैं यही कहना चाह रही हूँ, शायद सेविका हूँ, सेविका हूँ, तो मैं कहना चाह रही हूँ कि हम लोग से तो काम लिया जा रहा है 4 घंटा कर करके, लेकिन हम लोग काम करते हैं गर्भ से लेकर मृत्यु, क्योंकि बच्चा गर्भ में रहता है तो सर्वे करते हैं, फिर मृत्यु होता है उसका भी रिपोर्ट देते हैं, लेकिन हम लोग का नाम हो रहा है कि 4 घंटा के काम कर रहे हैं। इसलिए अपना काम करते हैं तो वैसा अधिकार मांग रहे हैं, सरकार से किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। तो सरकार की ये बात खबर होना चाहिए और हम लोगों का मांग पूरा कर देना चाहिए। हम लोग को भी आशा रखता है कि हाँ अब बढ़ेगा, बढ़ेगा, बेहतर होगा, बेहतर बढ़ेगा, लेकिन हम लोग का कभी भी आशा पूर्ण नहीं हो रहा है। काम करने समय काम तो कर देते हैं सब कुछ, फलेरिया होता है तो वो दवा बांटते हैं, कुष्ठ रोग होता है तो वो करते हैं, लेकिन सरकार हम लोग को बात नहीं सुन रही है। धन्यवाद। मेरे साथ मेरे तरफ से सर यही निवेदन है कि और ये लड़ाई हम लोग बहुत दिनों से कर रही हूँ, लेकिन ये अंधे सरकार और बहरी सरकार हम लोगों की आवाज सुनती नहीं, इसलिए जब तक हमारी आवाज वो नहीं सुनेंगे तब तक हम लोगों की लड़ाई चलती रहेगी। और हमारी मांग कोई गलत नहीं है, इसलिए कि समान काम का समान वेतन चाहिए। ये तो सरकार ही बोलता है कि समान काम का समान वेतन देना है, तो फिर वो क्यों नहीं दे रहे? मैं यही उनसे लड़ाई करती हूँ, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक मेरी ये लड़ाई चलती रहेगी। हम सभी सेविकाएं बहने ये सोचती हूँ कि चट्टानी एकता के साथ लड़ाई जारी रखूंगी और आज नहीं तो कल हमारी बातों को सरकार को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे बिना उनकी काम नहीं हो सकती, उनका काम हम सकते।
आता है सभी काम सेविका के द्वारा किया करते हैं। कोई भी काम आता है तो चाहे सेविका द्वारा हो जाएगा, इसलिए हम अपना काम जितना काम है उतना हमें देता है। चलिए, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद।